मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव कुल्हेड़ी में बीती रात मकान में आग लगने से गरीब का घर जलकर राख हुआ। वहीं मकान में दो पशु भी जल गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। गरीब परिवार सरकार से मुआवजे की मांग कर रहा है। जी, आपका नाम? अमिताभ। बताइए, पूरा मामला क्या हुआ है? भाई पता नहीं कैसे आग लगी, ऊपर से लगी कहीं से। अच्छा, इसमें डंगर भी थे आपके? हाँ जी, डंगर थे तीन चार। क्या डंगर थे? तीन डंगर थे। वे भी जल गए? एक लवाड़ा। हाँ, वे भी जल गए। अच्छा, किस टाइम की बात है ये? 8:30 बजे की बात है। अच्छा, रात में? रात 8:30 बजे। अच्छा, ये नहीं पता किस तरीके से लगी? नहीं पता। अच्छा जी। मेरठ के बागपत रोड स्थित मेमोरियम पब्लिक स्कूल में पिछले एक सप्ताह से चल रहे खेल प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। इस दौरान अलकनंदा और झेलम कवेरी हाउस के विद्यार्थियों ने अपनी खेल प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। क्या प्रोग्राम था आज स्कूल में? आज यहाँ मिलेनियम पब्लिक स्कूल बागपत रोड में खेल प्रतियोगिता का समापन समारोह चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता आज हमारे मुख्य अतिथि श्री राजेश पांडे जी IAS BCMBA ने करी, और उनके आने से बच्चों को काफी समर्थन हुआ। क्या संदेश देना चाहेंगे नया साल भी और स्कूल के बच्चों के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे और इस देश का प्रत्येक बच्चा अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखते हुए खेल कूद में ज्यादा से ज्यादा भाग ले, और हमारे देश का नाम संपूर्ण विश्व में जाके सम्मानित करे। मेरठ में हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे वकीलों का डेलीगेशन। वहीं आपको बता दें कि डेलीगेशन में सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने मुख्य रूप से अगुवाई की। इसके अलावा शिया धर्म के गुरु मौलाना कासमी जेदी अन्य भी डेलीगेशन में शामिल रहे। वहीं आपको बताते चले कि नागरिकता कानून के विरोध में हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलकर उन्हें सद्भावना दी। भाई सर, सर अपना नाम बता दीजिए, आप आज मिले हो? आईडी ऊपर मत करो ना, नीचे लगा। सर अपना नाम बता दीजिए। महमूद प्राचा, एडवोकेट। सर आज परिजनों से मिले हो, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? हमने देखिए, हमने ये एक संविधान सुरक्षा समिति बनाई है। चंद्रशेखर आजाद साहब जो हैं उनके साथ मिलके, वो कन्वीनर हैं उसके, और मैं को कन्वीनर हूँ महमूद प्राचा। तो हम लोगों ने एक बात तो ये उजागर की है पूरी दुनिया के सामने, चंद्रशेखर आजाद साहब ने ख़ास तौर पे, कि ये जो CAA NRC और NPR है, ये कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि सारे SC ST OBC और दूसरे माइनॉरिटीज़ के भी खिलाफ है। तो अब जो ये जुल्म और ज्यादती पुलिस कर रही है, इसके खिलाफ भी हमने कहा था कि हम अगर कोई भी पुलिस वाला या कोई सरकारी अफसर या कोई मंत्री या चीफ मिनिस्टर भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान और कानून के खिलाफ जाके कोई भी कार्य करता है तो वो एक अपराध होता है, और वो उसकी सज़ा उसको ऐसे ही मिलनी चाहिए जैसे एक आम अपराधी को मिलती है। ये जो पुलिस अफसरों ने, खासतौर के सीनियर पुलिस अफसरों ने जिस प्रकार की आपराधिक गतिविधियां यहां पे की हैं, जिसके सबूत हमारे पास वीडियो की शक्ल में भी और गवाहों की शक्ल में भी मौजूद हैं, तो उनके लिए कोई, उनको जो वर्दी का प्रोटेक्शन होता है उसकी कोई प्रोटेक्शन उनको मौजूद नहीं है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया था कि हम हाईकोर्ट में रिट लगाकर इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे और इनको जेल भिजवाने की पूरी कार्रवाई करेंगे, जैसे एक आम क्रिमिनल को जेल भिजवाया जाता है कोई गुनाह करने के लिए या कोई अपराध करने के लिए। उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ भी आए हैं परिवार वालों के पास। सबसे बड़ी जो समस्या इन केसेस में होती है, हमने पहले भी बहुत सारे केसेस में देखा है, कि पुलिस और दूसरे प्रशासन के लोग और इनके खुद के जो आसपास जो पुलिस के मुखबिर या दूसरे तरह के लोग होते हैं, वो इनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, और 95% केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो जिसका कोई मर भी गया सगा संबंधी, वो कंप्लेंट भी करने के लायक नहीं बचता है, बल्कि वो ये कहता है कि मुझे कुछ इस बारे में पता ही नहीं। तो इन केसेस में भी वो काम ना दोहराया जाए जैसा आज तक की हमने जो इतिहास में देखा है, उसी लिए हम यहाँ आए हैं, और हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि इस बार वो सारा इतिहास ना दोहराया जाए कि इतने ज़्यादा जो मजलूम हैं वो अपनी मजलूमियत भी बयान ना करें कोर्ट के सामने जाके, या न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें सम्मिलित ही ना हो, क्योंकि उनके ऊपर ये कह दिया जाएगा कि तुम्हारे बच्चों को बंद कर देंगे, तुम्हारे परिवार वालों को बंद कर देंगे, या तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे, तुम चुप हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हें पूरे परिवार को खराब बर्बाद कर देंगे झूठे केसों में फंसा के। तो इस प्रकार की जो ये घिनौनी हरकतें की जाती हैं पास्ट में की गई हैं इतिहास में, वो ना दोहराया जाए, इसीलिए हम यहाँ पर आए चल के, और हमने
पूरी तैयारी कर रखी है। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट भी एक दो दिन में डाल देंगे इस बारे में, और इसमें हमें बहुत सीनियर लोग हैं वो वॉलंटियर कर रहे हैं कि वो इसमें पीआईएल डालेंगे, इसकी तरफ से हम पीआईएल डालेंगे। आप मुजफ्फरनगर भी गए फिर वहां से यहां पर आए हैं, आपने जायजा लिया हालात का, आपको क्या नजर आया है पहली बार में जो भी आपने पहली नजर में देखा? अब हमें बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ के, जहां पर नॉनवेज खाने वाले शौकीन मिजाज के लोगों के लिए ये खबर चौंका देने वाली हो सकती है। दरअसल ब्रह्मपुरी पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जिसके निशाने पर सड़क पर घूमने वाले आवारा पशु रहते थे। इन पशुओं को नशीला इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने के बाद आरोपी उनका कटान करके शहर में सप्लाई कर देते थे। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से सेंट्रो कार और कटान के औजार भी बरामद किए हैं। आरोप है कि इंजेक्शन देते थे नशे का और पशुओं को मारकर चोरी कर लिया। सर क्या प्रॉब्लम? अभी जो है कल ही रात को जो है दो लोग पकड़े गए हैं इस मामले से संबंधित, उन पर पहले से भी जो है ये केस चल रहा है, और एक गाड़ी पकड़ी गई है दिल्ली के नंबर की है, उसमें जो है कुछ इंजेक्शन वगैरह मिले हैं और सीट पे जो है खून के निशान भी हैं, और उन पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर क्या होटलों में मृत पशुओं का मांस सप्लाई करने की जो है बात सामने आई है? इस पर मेरे पास अभी तक कोई संबंधित जानकारी नहीं है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, वहीं गरीब निर्धन लोगों को घर दिए जा रहे हैं, वहीं उनको इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके चलते ये योजना एक बार फिर गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही है। वहीं आपको बता दें ये योजना अमीरों की झोली में पड़ती नजर आ रही है और गरीब वहीं का वहीं खड़ा है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को जो मकान दिए जा रहे हैं उसमें नियम के अनुसार जिनके पास रजिस्ट्री शुदा प्लाट है उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो हम लोग गरीब आदमी है ना सर, इसलिए पता नहीं कैसे रजिस्ट्री करूं, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। पहला जॉब ऐसा दिया कांग्रेस में, अब क्यों नहीं दे रहा है? तो देते थे, अब क्यों नहीं देगा? हमें भी इस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए। हाँ हमारी तीन बेटियां है, कमाना वाला कोई एक ही आदमी कमाता है, क्या करूं? कर रही है लकड़ी बिन बिन के गुजारा कर रहे हूं हम। सरस्वती हल्दार, मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी जारी करी थी इसको लेकर। मेरा कहना यह है कि जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिल रहा है जिनके पास रजिस्ट्री की जमीनें हैं। दरअसल रजिस्ट्री की ज़मीनें हमारे सितारगंज में 80% गरीब ऐसे हैं जिनके पास रजिस्ट्री की ज़मीनें नहीं हैं। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि जिन लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है वो ऐसे लोग हैं जो संपन्न हैं, अपने आप स्वयं भी मकान बना सकते हैं, और जबकि मिलना ऐसे लोगों को चाहिए जो झोपड़पट्टी में, टीन में, पन्नी में और निवास कर रहे हैं, पात्र लोग हैं जिनको वास्तव में मिलना चाहिए। पूर्व में राजीव गांधी आवास योजना जो चलती थी उसमें भी जो है कि आवास बनाने का प्रावधान था, लेकिन उसमें रजिस्ट्री बैनामा जैसी कोई शर्त नहीं थी, इसलिए अधिकांश लोगों को उसका लाभ मिल पाया जो पात्र लोग थे। अब इस योजना में चूंकि रजिस्ट्री बैनामा अनिवार्य है तो इसलिए जो है इन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप लोग भी चैनल के माध्यम से, आप लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है, आप लोग भी इसमें मेरे इस मुहिम में मदद करें ताकि सरकार जो है कि गंभीरता से इस विषय को ले और रजिस्ट्री बैनामा की अनिवार्यता को समाप्त करे प्रधानमंत्री आवास योजना से, ताकि ऐसे टीम में रहने वाले, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिल सके। हाँ जी, रजिस्ट्री नहीं कर पा रहा इसलिए हमें कोई सरकार से कोई साधना नहीं मिल रहा। लकड़ी बिनते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, जो स्टम्प वाला है उसके मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। जो रजिस्ट्री वाला है उनको मिल रहा है, जो जिसका रजिस्ट्री नहीं है उनको नहीं मिल रहा है। हम रजिस्ट्री नहीं कर पा रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम रजिस्ट्री नहीं कर पा रहे, इसलिए सरकार का हमें लाभ नहीं मिल रहा है। लता हाजरा।